92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं शहर भजन सम्राट अनूप जलोटा के साथ। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं शहर कार्यक्रम मेरे साथ। मैं रोज आपके पास आ जाता हूँ कुछ ना कुछ नई चीजें लेकर, कुछ भजन लेकर, कोई ना कोई मंदिर की कथा लेकर। तो आज मैं शुरू करता हूँ एक बहुत सुंदर दोहे से। जी हाँ, दोहे देखिए दो लाइन के ही होते हैं लेकिन इतनी बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे देते हैं कि कमाल है जी, कमाल है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत जुग गया, जिंदगी भर भगवान की माला फेरते रहे हाथ में लेकिन गया ना मन का फेर। मन के अंदर वही हो रहा है, उसी तरह की वासनाएं अंदर चल रही है। तो कर का मन का डाल दे, ये जो हाथ में आप मारा फेर रहे हैं इसको डाल दीजिए पीछे, और मन का फेर जो आपके हृदय में जो मन का है, जो ईश्वर का मन का है, उसको फेरो, उसका जाप करो, उसका आशीर्वाद लो। तो कितनी सुंदर इसमें शिक्षा है, कितनी बड़ी बात है। यदि हम इन बातों को अपने मन में उतार लें, अपने जीवन में उतार लें, तो कितना कुछ हो सकता है नया अपने जीवन में। 92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं आज ये कार्यक्रम शहर, इसको मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ आपका अपना अनूप जलोटा। और अब आपको लेके चलूंगा एक बहुत सुंदर स्थान पर, जहाँ पर आप जाके भगवान की पूजा करेंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। पुणे में स्थित एक बहुत सुंदर मंदिर है, चतुरश्रृंगी मंदिर। तो चतुरश्रृंगी मंदिर ले चलता हूँ। ये पुणे में सेनापति बापट रोड पर है और बहुत सुंदर मंदिर है, क्योंकि ये जिस पहाड़ पर बनाया गया है उस पहाड़ की चार चोटियां हैं। ये उस समय की बात है जब शिवाजी महाराज का समय था। एक बहुत ही धनी व्यापारी, उसका नाम था दुर्लभ सेठ महाजन, और वो चतुरश्रृंगी देवी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने न जाने कितने चतुरश्रृंगी मंदिरों के दर्शन किए थे। अब वो बूढ़ा होने लगा, अब वो उसके लिए संभव नहीं था कि वो जगह जगह जाकर चतुरश्रृंगी देवी के मंदिरों के दर्शन करता। तो उसके अंदर एक ही दुख था कि मैं अब और मंदिरों के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसको स्वप्न में चतुरश्रृंगी देवी आई और स्वप्न में उन्होंने कहा कि यदि तुम मेरे पास नहीं आ सकते हो तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तुम ऐसा करो कि इस पहाड़ के पास आ जाओ। एक पहाड़ के पास उसको बुलाया, दुर्लभ सेठ वहां पहुंचा और उसको कहा कि तुम यहां खुदाई शुरू करो। जहां से खुदाई शुरू करी वहां पर उसको एक बहुत सुंदर दुर्लभ मूर्ति देवी की प्राप्त हुई। वो बड़ा प्रसन्न हुआ कि देवी इस मूर्ति के रूप में मेरे पास आ गई। और फिर वहाँ इस मंदिर को बनाया गया, जो मंदिर 90 फीट लंबा है और 125 फीट चौड़ा है। ये मंदिर बहुत ही सुंदर है, मूर्ति बहुत सुंदर है। आप जरूर जाएं और चतुरश्रृंगी मंदिर के दर्शन करें। यहाँ दशहरे के समय पर बहुत बड़ा मेला लगता है, लोग वहाँ आते हैं और आनंद लेते हैं, चतुरश्रृंगी मंदिर का आनंद और माता के दर्शन करते हैं। तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छा भजन सुनाऊंगा, जिस भजन में बहुत सुंदर सी बात छुपी हुई होगी जो आपके और हमारे जीवन को सुंदर बनाएगी। भजले प्यारे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। नाम के बल पे बजरंगी ने सागर शिला तराई थी, बाण लगा जब लक्ष्मण को संजीवनी पिलाई थी। नाम के बल पर देखो भाई बन आई हनुमान की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बड़े भाग से तुमने भाई मानव तन ये पाया है, गर्भ काल में कॉल किया था बाहर आ बिसराया है, सब मिलकर अब जय बोलो जी पवन पुत्र हनुमान की, जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की।
देख लीजिए, जहाँ भगवान राम नहीं है, जहाँ ईश्वर नहीं है, उस चीज का कोई महत्व ही नहीं। हनुमान जी कहते थे कि सीता जी, आपने जो मुझे माला दी है मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि इसके जितने मोती हैं मैंने तोड़ तोड़ के देख लिए, कहीं पर मुझे भगवान राम के दर्शन नहीं हुए, मेरे तो हृदय में भगवान राम बसे हुए। तो यदि हृदय में राम बसे हैं, हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, हृदय बना लो भक्तों गोकुल धाम रे, आके बसेंगे इसमें राधे श्याम रे। तो हृदय को ही आप इतना पवित्र और सुंदर बना लें कि ईश्वर समझे कि यही मेरा मंदिर है, चलो यहीं चल के रहते हैं। 92.7 बिग FM पे आप सुन रहे हैं सहर कार्यक्रम, और अब मैं आपको एक बहुत अच्छे गायक से मिलाऊंगा। आप हैं सोमेश माथुर। सोमेश माथुर आधा हिंदुस्तान में रहते हैं, आधा इंग्लैंड में रहते हैं, लेकिन मुझे पता है कि इनका जो दिल है वो तो हिंदुस्तान की जमीन पे ही रहता है, क्योंकि ये जो गाते हैं उसमें हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की लहर नजर आती है, उसका असर नजर आता है। सुमेश जी, स्वागत है आपका हमारे बिग FM। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अनूप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें थोड़ा सा बताइए कि ये संगीत आपके जीवन में कैसे शुरू हुआ? संगीत असल में मुझे विरासत में मिला। वाह। तो मैं इस तरह से ब्लेस्ड हूँ, मेरे माता पिता मेरे गुरु हैं, तो उनसे तालीम ली मैंने, शुरुआत में माँ से ली, 2-3 साल की उम्र से, छोटी उम्र से शास्त्रीय संगीत में। ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे बहुत तमाम किस्म के आर्टिस्ट्स, फनकार, गुलकार घर में ही सुनने को मिले। बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे पेरेंट्स के सब दोस्त ही हैं जितने आज की तारीख में बड़े क्लासिकल आर्टिस्ट हैं। तो हमने ये भी सुना आपके बारे में कि आपने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काफी काम किया है। जी हाँ, मेरा काफी इंटरेक्शन कोलैबोरेशन रहा है। बहुत अच्छा। इसमें मेरी दिलचस्पी भी है। जी जी। तो जी, आज आप क्या सुनाने वाले हैं? क्योंकि आपने हुक्म किया कि हमें जुगलबंदी करनी है साथ हाँ, में और थोड़ा डिवोशनल हो और जी, तो मैं कुछ शिव के श्लोक लेकर आया हूं। बहुत अच्छा, आप उन्हें गाएं। जी हाँ। और मैं आपके साथ साथ उसमें बस तो साथ में कुछ करते हैं। जी जी, इजाजत। शुरू करें। अपार महिमा गुरुनाथ, अपार महिमा गुरुनाथ, कृपा सागर गुरुनाथ, अनुदिनम वंदे गुरुनाथ, एनै अनुग्रहम सेवै गुरुनाथ, गुरुनाथ सद्गुरुनाथ, कालरी तोण्यम गुरुनाथ। सुमेश जी, आपने आनंद दिला दिया। इस तरह का हमारी पहली बार रिकॉर्डिंग हुई है कि इसमें कुछ वेस्टर्न टच भी आ रहा है, इंडियन टच भी आ रहा है, दोनों चीजें मिला के हमने भगवान शिव की आराधना की। जी, और जी, भगवान शंकर से यही हम प्रार्थना करते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं खूब सफल हों, खूब आप नाम करें। बहुत धन्यवाद। 92.7 बिग FM पे आज आपने सुना सुमेश माथुर जी को। अपना अलग रंग है, अपना एक अलग अंदाज है, और हम अपने रेडियो के माध्यम से यही प्रार्थना करते हैं कि इनको भगवान खूब सफलता खूब नाम प्रदान करे। तो आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं। कल सुबह आपसे फिर मिलेंगे इसी शहर कार्यक्रम में 92.7 बिग FM पर। सुबह सुबह मैं समय से पहुंच जाऊंगा, आप जरूर रेडियो ऑन करिएगा वक्त से। तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए शहर, भजन सम्राट अनूप चलोटा के साथ 92.7।